आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। दिल्ली NCR में अपराध और अपराधियों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लूटपाट, डकैती और लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में ऐसा ही ऑनलाइन ठगी के गैंग का पर्दाफाश हुआ है। और हैरानी की बात तो ये है कि इस गैंग में वारदात को अंजाम देने वाली महिलाएं हैं। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने ऑनलाइन डेटिंग ऐप टिंडर के जरिए अपना शिकार तलाश कर उन्हें अपने जाल में फंसा बेहोश कर जेवर, नकदी और कार लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिलाओं समेत 1 पुरुष शामिल है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस के मुताबिक ये गैंग ऑनलाइन ऐप टिंडर से NCR के अलग अलग इलाकों में ग्राहकों से संपर्क करता, जिसके बाद उन्हें कमरे पर बुलाया जाता था, जहां ये महिलाएं उन्हें नींद की गोलियों का पाउडर देती और बेहोश होने के बाद लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए उनकी तस्वीरें और वीडियो बना ब्लैकमेल कर लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता था। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें विनोद उर्फ हप्पू, पूजा शर्मा और पूनम महतो नाम की महिला शामिल है, जिनके पास से गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने सोने की अंगूठी, सोने की चेन, सोने के सिक्के, चांदी के गिलास, वायरलेस स्पीकर, ब्लूटूथ, आर्टिफिशियल सामान, बैंक क्रेडिट कार्ड, नींद की गोलियों का पिसा हुआ पाउडर बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल वारदात को अंजाम देने में किया जाता था। बहरहाल पुलिस ने धरे गए आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पता लगाया जा रहा है कि ये गैंग अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बना चुका है और इनकी गैंग में और कितने लोग शामिल हैं। तो इस खबर से हमें ये सीख मिलती है कि अनजान लोगों पर भरोसा ना करें और गलती से भी किसी भी अनजान आदमी द्वारा बुलाई गई जगह पर जाने से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।